खबर यूपी के मऊ जनपद से है, जहां आज सुबह सुबह एक छात्रा के परिजनों द्वारा कॉलेज परिसर में घुसकर एक शिक्षक की बुरी तरह पिटाई कर दी गई। दरअसल पूरा मामला थाना कोतवाली अंतर्गत आने वाले शहर के मोहल्ला बल्लीपुरा स्थित डीएवी इंटर कॉलेज का है, जहां कल 16 मार्च को विद्यालय के एक शिक्षक के द्वारा कक्षा 9 साइंस साइड में पढ़ने वाली एक छात्रा जिसका नाम अंतिमा साहनी है, उसके द्वारा कुछ बदतमीजी करने पर शिक्षक ने उसे पीट दिया। तो आज छात्रा के परिजन कॉलेज पहुंचे और विद्यालय परिसर के अंदर ही शिक्षक को बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्ष कोतवाली पहुंचे। फिर कोतवाली से पाठशाला चौकी इंचार्ज को मामले की जांच के लिए डीएवी इंटर कॉलेज भेजा गया, जहां पाठशाला चौकी इंचार्ज सुभाष चंद्र द्वारा कल 16 मार्च को हुई घटना की प्रत्यक्षदर्शी छात्राओं का बयान लिया गया व विद्यालय के शिक्षकों से बातचीत की गई। आगे सुने घटना को लेकर छात्रा व शिक्षक ने क्या कहा। क्या मामला था? मैंने क्वेश्चन पूछा था सर से, लेकिन वहाँ पे और भी हम लोग स्कूल से ही होके आ रहे हैं, तमाम लोगों ने बताया कि जो है तुम्हारा क्वेश्चन जो है टीचर से होता है, सबसे उल्टा सवाल करती है फंसाने के लिए, और ये भी लोगों ने बताया है कि जो तुमने कहा कि हम नहीं, टीचर्स की बात नहीं, वहाँ क्लास में जितनी लड़कियाँ हैं छात्राएं हैं सब यही बात बता रही हैं, वो सब डरी नहीं है सर, मैं क्वेश्चन नहीं करती हूँ। तो फिर क्या क्या घटना क्या हुई थी सर? मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ना आया कि सर, फिर सर से पूछे थे ब्रह्मपुत्र नदी पे पूछा था क्वेश्चन ना। हाँ, क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था उसका, पूछा था कि सर माजरी द्वीप कहाँ पर है, तो सर कैसे है, तो सर तो उन्होंने पहले आंसर गलत बताया सर, उसके बाद से जब मैंने कहा कि सर शायद आंसर ये तो नहीं है सही, तो उनको मैंने शायद करके बोला ही था कि उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया और बहुत जोर का मारा था, और एक दो झापड़ नहीं मारा था सर, पूरे थप्पड़ थप्पड़ ये सब मेरी, ये मेरा दुपट्टा निकल गया था, मेरा ये बाल पूरा खुल गया था सर, पूरा मेरा मुंह सूज गया था, शाम को मैंने दवा खाया, उसके बाद मुझे रेस्ट मिला था। तो तुमसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी? तुमसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी? सर मेरे से किसी की दुश्मनी नहीं है सर। तो वहाँ पे और छात्राओं के साथ भी उनका वही व्यवहार होगा कि केवल तुम्हारे साथ है? सर कोई बोलता ही नहीं है उनसे, कोई नहीं बोलता है सर, कोई किसी से बोलता नहीं है सर, जैसे पढ़ाते हैं पढ़ते हैं, और सर उनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अलग है, बस सिर्फ बच्चों को खड़ा करवा कर रीडिंग करवाते हैं, उसके बीच में कोई आंसर भी अगर कोई मतलब जैसे कोई इंपॉर्टेंट नोट भी नहीं बताते हैं कि नहीं देखो ये इंपॉर्टेंट ये है इसको ऐसे नोट कर लो सर, कुछ नहीं, बस किताब पढ़ा दिए ये डन हो गया, चैप्टर खत्म। अच्छा आज तुम आज बता रहे हैं कि तुम्हारे घर वालों ने पीटा है? सर गलती सर की है सर, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जब गेट पे थे हम लोग, तो हम लोगों ने कहा कि सर 2 मिनट रुक जाइए सर, भैया बोले कि 2 मिनट रुकिए सर मुझे आपसे बात करनी है सर, रुकिए, भैया को हेलमेट से मारे और प्लस झापड़ से भी मारे, और फिर गाड़ी को बहुत स्पीड से आगे लेकर जाने लगे, हमें ऊपर चढ़ने से बच गया, मम्मी के ऊपर चढ़ने से बच गया, तो मम्मी के ऊपर लगे। तो जो बात गेट पे हो रही थी, गेट के अंदर भी हो सकती है, लिखित शिकायत भी हो सकती है, तुम तो पढ़ने वाली लड़की हो। यस सर। तो तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे साथ भी भविष्य में क्या होगा, स्कूल से नाम काट दिया जाएगा, सीआर खराब हो जाएगा, तो कहीं एडमिशन भी नहीं होगा? रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना परिचय दीजिए, नाम क्या है आपका? अनिल कुमार बिवल। अनिल कुमार? अनिल कुमार बिवल। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? मऊ के ही निवासी। अच्छा, और डीएवी में पढ़ाते हैं? जी। क्या मामला था कि आज इतना विवाद हो गया? एक लड़की है तो उसने क्वेश्चन पूछा, तो मैंने किताबों में इसका क्वेश्चन उसका आंसर ढूंढने का प्रयास किया, हम कहे ठीक है नहीं मिल रहा है तो हम कल नेट पर या कहीं भी सर्च करके हम बता देंगे, तो फिर सर हमको पता है तब कि जब आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो फिर आपको पूछने की क्या जरूरत है बेवजह परेशान करने की, मैंने डांट करके क्लास ओवर हो रहा था, मैंने डांट कर भगा दिया। अच्छा, आपने मारा नहीं लड़की को? नहीं। लेकिन लड़कियाँ तो वहाँ बयान दे रही कि आपने मारा है, थोड़ा मोड़ा मारा था? नहीं सर, मैं डांट के डांटा था। अच्छा। अंदर तो सीसीटीवी भी लगा हुआ है? अंदर तो सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, और लड़कियां बता रही हैं कि इस तरीके से थोड़ा सा आपने मारा था, लेकिन इतना भी नहीं था जिस तरीके से लड़की बता रही है। तो ये कल का मैटर था? फिर आज क्या घटना घटित हुई है? 9:30 बजे मैं विद्यालय जब आया तो गेट पर ये लोग 8-10 लोग खड़े हुए थे जी,
तो पीछे से पकड़ लिया, पहले अंदर चलो बात करो क्या प्रॉब्लम। तो किस चीज से थे आप? बाइक से था। अच्छा, फिर तो तुरंत लड़ाई झगड़ा का हाथापाई करने लगे। तो विद्यालय परिसर के अंदर या बाहर? जी अंदर, परिसर के अंदर। हाँ, मैंने बाइक अंदर कर लिया, अंदर करके आप बात करो। जी, फिर क्या हुआ? हाथापाई किए, फिर शोरगुल सुन करके शिक्षक आए और मैं बताया, बच्चे भी आए, बच्चे बच्चे आ गए। फिर क्या हुआ? मारने लगे, मेरा गलत दबाए और गले से मेरी चेन की माला खींच करके काफ़ी मारे पीटे, और मेरी शर्ट फाड़ी, बनियान और शर्ट के बटन है ये सबका। तो ये गले पे कैसा ऐसा निशान है? ये गले में गला करके दबा रहे थे, कई लोग चार पाँच लोग थे और मेरी चेन की माला। ये आप लोगों ने तहरीर दे दिया है? तहरीर दिया है यहाँ पर, तहरीर दिया है, FIR दर्ज हुई है। जिन लोगों ने आप पे हमला किया, कितनी कितने की संख्या में थे वो? 10-15 लोग थे, काफ़ी संख्या। अच्छा, आप सबको पहचानते हैं जी? क्या आप सभी को पहचानते हैं? हाँ, सभी को पहचानते हैं। तो लोग भाग गए या पकड़ाए हैं? नहीं, कुछ पकड़ाए हैं, आप कुछ भाग गए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर ओम प्रकाश साहनी। आज क्या मामला हो गया था? अध्यापकों की पिटाई करना पड़ गया। पिटाई तो नहीं, ठीक है, तो फंसाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या मामला था? मामला ये था कि कल हम DAV स्कूल में हमारी बच्ची पढ़ती है सर, 9 में, तो वो टीचर से पूछी, सवाल पूछी कि सर इसको हमको बतला दीजिए। सर बोले कि तुम जो है बहुत सवाल पूछती है, और उसको लगे मारने, बहुत मारे, आँख में से खून जो है जम गया। लड़की कहाँ है आपकी? लड़की यहीं पर। अच्छा, ऐसा। फिर और उसके बाद उसका बाल पकड़ के पूरा मारे, पूरा क्लास की लड़की लड़के सब देखे। हमारी एक और साथ में दो बच्चे पढ़ते हैं, वो केवल रोते ही रह गई। वही 4 बजे घर CCTV कैमरा क्लास में लगा हुआ है, क्लास में लगा है, लेकिन बंद है ना। अच्छा, कमरा बंद है सर। अच्छा, हाँ, कमरा बंद करके। फिर क्या हुआ? तो घर गई, वही बात हमसे बोल रही थी कि जब हम उनसे सवाल पूछे तो हमको लगे मारने की, आप तुम बार बार में उसे सवाल पूछती और तुम कुछ कर नहीं पाओगे, हमारा तुम्हारा मार के हाथ वो तोड़ देंगे, तुम्हारे घर के लोग, परिवार के लोग लेकर आना, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, हमारी 1.5 लाख सैलरी है। तो हमारी जो है पत्नी जो है, हम तो दुकान पर थे, हमारी दुकान है बलिया मोड़ मंडी में, हम दुकान पर थे, एक बच्चे के साथ और हमारी बच्ची को लेकर हमारी वाइफ आई। मास्टर साहब जा रहे थे तो पूछी कि सर आप मारे हैं तो ठीक ही है, थोड़ा सा रुक जाइए, आपसे हमसे दो बात करनी है। तो यही पूछने के लिए कि आप मारे हैं ठीक है, लेकिन ये सब क्यों कहे हैं कि आप जाओ, तुम अपने परिवार को लेकर आओ, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। इतना में उस हमारे वाइफ के ऊपर भी हाथ उठाने लगे। किसने उठाया? अध्यापक। अच्छा। अब क्या हुआ उस समय, हम मंडी में थे, वो जो सुन रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो हमसे बता रही है। तो फिर जो टीचर की पिटाई हुई, उनको देखा जा रहा है, तमाम जगह जगह चोट भी उनको लगी है, चैन टूट गई है, और गाड़ी वगैरह भी उनकी वहाँ टूटी हुई पड़ी थी, हम लोगों ने देखा है, हेडलाइट वगैरह। गाड़ी तो गेट में जो है अपना मारे। उन घायल कैसे हुए? अब भाई हम तो बता रहे हैं कि दुकान पर। अच्छा, तो आप लोग मान लिया कि झगड़ा करने के उद्देश्य से नहीं आए थे, तो इतने ज़्यादा लोग क्यों गए? ऐसा है कि हम जो मंडी में हमारी दुकान है, मर्चा सुनिए पहले, हम मर्चा बेचते हैं, हमारे हम कितना झगड़ालू हैं हमारे बारे में आप खूब जान जाइए। किसी से पूछिएगा जो दुकान करता है सब्जी की, कोई भी बता देगा। तो ये जो 7 लोग अंदर आपको बैठे, 4-5 लोग, ये लोग कौन आपके यहाँ से? एक लड़का था, वही लड़का लेकर इसको साथ में आया था और इसके साथ में आया। ये कौन है? ये यही बच्ची है, इससे पूछ लीजिए अपना परिचय। मैं डॉक्टर कंचनलता पांडे। क्या घटना हो गई थी आज? कल से इस घटना का जुड़ा हुआ है। कल से तात्पर्य 16 तारीख से? जी, 16 को हमारे यहाँ एक अध्यापक है। क्या नाम है? श्री अनिल कुमार जी। तो कोई बच्ची है 9th A में, वो संभवतः काफ़ी ज़्यादा सारे टीचर्स का ही परीक्षा लेना चाहती है जी, ऐसा मैंने सुना है। बच्चे भी बता रहे थे सारे कि वो कहीं से भी कोई प्रश्न ले आकर के संबंधित विषय से, मतलब टीचर्स को एग्जामिन करती है, संबंधित विषय से कोई भी प्रश्न ले आकर के और अध्यापकों से पूछती है जो उसे आता है। अच्छा। और उसके बाद वो कक्षा में जो है बच्चों से भी कहती है कि आज मैं सर से पूछ करके या मैडम से पूछ करके बता रही हूँ, और देखिए उनको नहीं आएगा, ऐसा करके चैलेंज करती है। तो सब लोग अपना बताते हैं, सब एक जैसे स्वभाव के नहीं होते हैं, तो उनको उनसे कह
उनसे कोई प्रश्न पूछा तो बताए कि हम जो हैं कल आपको बताते हैं बेटा, अब तो कक्षा भी पीरियड भी जो है समाप्त होने वाला है। उसने कहा कि सर आपको नहीं पता है, मुझे आता है। उन्हें कहा कि बेटा आता है तो फिर पूछा क्यों आपने? ऐसा बच्चियों के संदर्भ में, क्योंकि मैं वहाँ उपस्थित नहीं थी, बच्चियों से मैंने बाद में जो पूछा है उससे जानकारी मिली है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे सारे अध्यापकों को परेशान करती हैं, ये बहुत गंदी बात है, और संभवतः कोई जिस पढ़ा रहे थे जो विषय उसकी किताब ही लपेट करके उन्होंने उसको मारा, ऐसा बच्चियों ने बताया। और उसके ऊपर जब वो चले गए तो रोई, और बच्चियाँ बता रही हैं कि वो कह रही थी कि हम इनको कल पिटवाएंगे, ये बाहर निकले तो इनको बताएंगे। ये इस तरह की घटना, मान लीजिए कि लड़की के वजह से इस तरह की घटना घटित हो गई है, लड़की थोड़ा सा तेज चीज की वजह से हो गई, लेकिन इससे पहले पूर्व में भी देखा गया है कि इस तरीके की घटनाएं यहाँ घटित हुई हैं, FIR वगैरह भी दर्ज हुआ है। आप इस बात को मानिए कि ये मऊ में सबसे ज़्यादा अनुशासित DAV रहा है। आपको भी पता होगा कि सबसे ज़्यादा यदि अनुशासित है तो हमारा DAV इंटर कॉलेज मऊ ही रहा है पूरे जनपद में। लेकिन इधर जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें पता है कि हमारे यहाँ हम अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए या उनको किसी भी प्रकार का संदेश देने के लिए पहले स्नेह और प्यार के बाद एक दंड भी विकल्प के रूप में रखते हैं। यद्यपि कि वो दंड अब हम लोगों ने हटा दिया है, नहीं उसका उपयोग करते हैं, लेकिन जब कहीं अनुशासनहीनता अत्यधिक हो जाती है तो इसके अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है। और बच्चे भी कुछ ज़्यादा ही जो है वो उश्रृंखल होते जा रहे हैं। आप DAV को छोड़िए, आप कहीं भी जाइए देखिए बाहर मारपीट हो रही है, आपके DCS का अछूता है उससे, प्रतिदिन मारपीट हो रही है, यही बच्चे जाते हैं, यही बिगड़ते हैं। तो हमारे अंडर, हमारे संरक्षण में यदि बच्चे आए हैं तो हम चाहते हैं कि उनका उचित विकास हो, और उसके लिए बचपन से ही हमने जो देखा है जो सुना है उसके लिए उनको प्यार से स्नेह से और शब्दों के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। अंतिम विकल्प यद्यपि कि कोई कभी जो है कोई अछूता नहीं है, कोई भी अध्यापक हो सकता है कुछ प्रयोग किया, लेकिन बच्चों के प्रति इतनी ज़्यादा बच्चों अध्यापक के प्रति नफरत बढ़ती जा रही है, ये एक सोचनीय विषय है। सबसे ज़्यादा ये समाज के लिए सोचनीय विषय है, कैसे हम शिक्षित कर सकते हैं बच्चों को। आज किस प्रकार से घटना घटित हुई उसके बारे में बता। आज कल बच्ची की सहेलियाँ बता रही हैं छात्रा की कि वो कही थी कि हम इनको पिटवाएंगे, और आज ऐसे ही अध्यापक आए हैं, कुछ लड़के आए थे विद्यालय परिसर में, या विद्यालय परिसर में, अच्छा, और हेलमेट निकाल करके फेंके हैं, बच्चियाँ बता रही थी, उसके बाद उनको पटक के मारे हैं, उनकी बनियान फाड़ दी है, उनका शर्ट खींच लिए हैं, अब फटी हुई बनियान सबूत में गई है जी। और वो बचाव के लिए भी जो जा रहा था। टीचर कहाँ से आते हैं? ये आते हैं इमिलिया से। और जो छात्रा जिससे विवाद हुआ वो कहाँ से आती है? कुकुरहट से आती है। जिन लोगों ने मारा वो लोग कौन थे, बच्ची के परिजन थे या कौन थे? अब ये तो पुलिस कार्रवाई का विषय है कि कहाँ से, क्योंकि कितने लोग थे? काफ़ी सारे लोग थे। और ये तो पुलिस के कार्रवाई का विषय है ना कि वो लोग थे कौन, क्योंकि अराजक तत्व ही रहे होंगे। कोई माँ बाप इस प्रकार से आकर के अकेले नहीं पीट सकता विद्यालय परिसर में, ये अराजक तत्वों को बुलाया गया था। अब क्या उस लड़की को विद्यालय में रखा जाएगा या इंस्ट्रक्ट आउट कर दिया जाएगा? ये भी हमारे अनुशासन का विषय है, तो हमारी अनुशासन समिति जो है इसके बारे में।